नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम हरे प्याज के पकौड़े बनाएंगे। जी हाँ, पकौड़े तो हम अक्सर बनाते हैं, लेकिन आज हम हरे प्याज के पकौड़े बनाएंगे। ठंडी का मौसम है और इस मौसम के साथ चाय और कॉफ़ी के साथ अगर गर्मा गर्म पकौड़े हो तो चाय का स्वाद दुगना हो जाता है। तो आइए पकौड़े की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोस को लाइक करें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए हरा प्याज। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम हरा प्याज लिया है। हरे प्याज को मैंने धो के अच्छे से बारीक काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 से 5 बारीक कटी हरी मिर्ची। पकौड़े थोड़े तीखे ही अच्छे लगते हैं, बाकी मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। पकौड़े को टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1 मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ आलू। जी हाँ, वैसे तो हम पकौड़े में आलू नहीं डालते हैं, लेकिन हम इसमें आज आलू डाल के बनाएंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है बेसन। तो अब हम इसमें डालेंगे बेसन। बेसन हमें इतना डालना है जितने में प्याज की अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। तो यहाँ पे मैंने पूरा 4 चम्मच बेसन डाला है। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच नमक डाला है, बाकी नमक आप अपने स्वाद के अनुसार भी इसमें डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को हम हाथ से दबाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्याज है इसमें भी से भी हल्का सा पानी निकलता है, इसी से हमारे पकौड़े की अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। तो हाथ से इस प्रकार से इसे दबाते हुए हम मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। हमें हाथ से इस प्रकार से इसे दबाते हुए बेसन के साथ मिक्स करना है। जैसे जैसे ये मिक्स होगा, आप देख रहे हैं कि इसकी मात्रा पहले से काफ़ी कम हो गई है। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम इसमें 1-2 चम्मच और बेसन डालेंगे। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। मुझे अभी बेसन थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें मैं 1 चम्मच और बेसन डालूंगी। मिक्स कर लेंगे। पकौड़ी को थोड़ा हम चटपटा बनाएंगे, इसके लिए यहाँ पे मैं डालूंगी 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर। थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, पकौड़ी का कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच हल्दी डाला है। ज़्यादा हल्दी हमें नहीं डालना है, बस थोड़ा सा, जिससे कि हमारी पकौड़ी का कलर अच्छा आ जाए। मिक्स कर लेंगे और ये हमारी पकौड़ी का जो मिश्रण है वो बनके तैयार हो गया है। अगर आप इसे तीखा और बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 1/2 चम्मच या 1/4 चम्मच मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं अपने तीखे के अनुसार। अब हम इसे तलने के लिए चलते हैं। मिश्रण बनके तैयार है। इसे तलने के लिए मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया है। अब हम थोड़ा सा मिश्रण डाल के चेक कर लेंगे कि तेल हमारा अच्छे से गरम हुआ है कि नहीं। देखिए, तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब हम अपनी पसंद के अनुसार से इसमें थोड़ा थोड़ा मिश्रण डाल के पकौड़ी तल लेंगे। पकौड़ियाँ आप अपने पसंद के हिसाब से थोड़ी सी छोटी या थोड़ी सी बड़ी बना सकते हैं। गैस का आंच मीडियम कर देंगे। एक बार में हम उतना ही मिश्रण डालेंगे जितना कि हम एक बार में आसानी से तल सके। अभी हम इसे बिल्कुल भी नहीं छुएंगे जब तक कि ये नीचे से हल्का सा सुनहरा ना होने लगे। इसे हमें दोनों तरफ से अच्छा सुनहरा कलर आने तक तल लेना है। ये नीचे से हल्का सा सुनहरा हो गया है, अब हम इसे पलट लेंगे और पलट के दूसरी तरफ से भी इसे तल लेंगे। इसे पलटने के लिए आप फोक का इस्तेमाल करें, बहुत ही आसानी से पलट जाएंगे ये। पकौड़ी हमारी दोनों तरफ से अच्छी सुनहरी हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। पकौड़ी की इस रेसिपी को आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जब आपके प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं वो मेरे उत्साह को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। पकौड़ी निकालते समय थोड़ी देर हमें इस प्रकार से इसे रोक लेंगे। इससे क्या होगा कि जितना एक्स्ट्रा तेल है वो कढ़ाई में वापस चला जाएगा।
और टिश्यू पेपर के ऊपर रखने से जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा तेल बचेगा वो भी निकल जाएगा। तो ये हमारी गर्मा गर्म स्वादिष्ट लजीज पकौड़ी बनके तैयार है। बचे हुए मिश्रण से हम इसी प्रकार से पकौड़ी बना के तैयार कर लेंगे। आप इस प्याज की पकौड़ी को अपनी मनपसंद चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने एंड स्क्रीन में डाल रखा है। आप उस पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में। तब तक के लिए बाय बाय।